बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल लर्निंग पॉइंट्स। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम फिन 624, जिसका सब्जेक्ट नेम इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है, उसकी जीडीपी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन ऑन टाइम रिसीव कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चले हम अपने जो डिस्कशन क्वेश्चन है उसको रीड आउट करते हैं। कह रहे हैं, लाइवलीहुड मीन्स टू सिक्योर द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। कह रहे जो लाइवलीहुड मतलब है जीना, जो इसका मतलब है कि आपने अपनी जिंदगी जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है उसको पूरा करना है, जिसमें आपकी नेसेसिटी ऑफ फूड है, उसकी हेल्थ वगैरह, बेसिक एजुकेशन है। वो द बेसिक नेसेसिटीज इंक्लूड फूड, वाटर, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। अब वो खुद भी आपको बता रहे हैं कि बेसिक सर्विस में क्या क्या चीज़ें शामिल है। आप खुराक, पानी, कपड़े और शेल्टर, यानी कि घर। एवरी ह्यूमन बीइंग इज बाउंड टू परफॉर्म ईच एक्टिविटीज ऑन डेली बेसिस टू एक्वायर दीज बेसिक नेसेसिटीज टू लिव। क्या हर जो शख्स है वो क्या कहें पाबंद है कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करे रोजाना की बुनियाद पर, जिसकी वजह से वो बेसिक नेसेसिटीज को हासिल कर सके जिंदा रहने के लिए। नाउ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड एनालाइज इट विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक फिलॉसफी ऑफ इस्लाम। कह रहे हैं, आपने जो नीचे स्टेटमेंट दिया गया है उसको बहुत ही तवज्जो से पढ़ना है और उसका तजिया करना है कि किसके रेफरेंस से इकोनॉमिक फिलोसॉफी ऑफ इस्लाम के हवाले से उसको आपने अपना तजिया या राय देनी है। सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं। लाइवलीहुड इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ मैन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर द अल्टीमेट एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ। कह रहे हैं कि जो जीना है, लाइवलीहुड जो है, जिंदगी गुजारना, वो नस्ल इंसानी का एक बुनियादी मसला है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट आखिर इंसानी जिंदगी का आखिरी मकसद है। Being a student of Islamic modes of financing, do you agree with the above statement? कह रहे हैं, इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग स्टूडेंट की हैसियत से कि आप ऊपर वाली स्टेटमेंट से जो हमें स्टेटमेंट दी गई है उससे आप मुतफिक हैं। सपोर्ट योर आंसर विद स्ट्रॉन्ग लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। तो आपने अपने आंसर जो भी होगा, अगर आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं या आप उसके अंगेस्ट जा रहे हैं, तो हर दो एक सूरत में आपने उसको अपने जस्टिफाई करना है अपनी सिलेक्शन को विद स्ट्रॉन्ग लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स के साथ। तो चलें अपने आंसर की तरफ जाते हैं। तो मेरा जो आंसर है नो, क्योंकि मैं इस जो स्टेटमेंट दिया गया है उससे एग्री नहीं करता। अब मैं एग्री क्यों नहीं करता वो मैं बताने लगूंगा आपको नीचे। नो, द गिवन स्टेटमेंट इज रिफ्लेक्शन ऑफ डेफिनेशन ऑफ मटेरियलिस्टिक इकोनॉमिक्स। मैंने कहा जी, ये जो हमें स्टेटमेंट दिए गया है ये मटेरियलिस्टिक इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है उसकी रिफ्लेक्शन है या उसकी इकासी करता है। बट एज अ स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग, इस्लामिक फाइनेंसिंग मोड, ऑल रिसोर्सेज आर क्रिएटेड, डिस्कवर्ड एंड इन्वेंटेड बाई ह्यूमंस आर मैनकाइंड आर जस्ट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग बट नॉट एज अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ या मैनकाइंड। कारण जितने भी रिसोर्सेज हैं जो अल्लाह ने पैदा हैं या अवेलेबल हैं, क्रिएट की जगह अवेलेबल भी आ लिख सकते हैं, डिस्कवर जो हमने डिस्कवर किए और जो हमने इन्वेंट किए इंसान ने, इंसान को क्रिएट तो नहीं कर सकता, लेकिन इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा काइंडली। इंसान क्या कर सकता है, उसको डिस्कवर कर सकता है और इन्वेंट कर सकता है। इसको मैं ठीक और मैं हटा देता हूँ, कंफ्यूजिंग खत्म करता हूँ। और सोचिए, डेट आर डिस्कवर्ड एंड इन्वेंटेड बाय ह्यूमंस आर जस्ट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ह्यूमन बीइंग बट नॉट एज अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। जितने भी जो सोचते हैं, जो इंसान ने दरियाफ्त किए या उनको इन्वेंट किया या इनोवेट किया, वो ह्यूमन बींग के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ना, कि उनका एक अल्टीमेट गोल है कि हमने सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही लेनी है। यहाँ एक चीज और लाइन ऐड करते हैं। ऑल रिसोर्सेज आर
created by Allah on creating human. और तमाम रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं इंसान को शामिल करते हुए. यहाँ एक और सोर्स इजाफा करता हूँ. अकॉर्डिंग टू इस्लामिक फिलोसॉफी ऑफ, मैं यहाँ से हट दे, इस्लामिक फिलोसॉफी इस्लाम और सोशल क्रिएटेड बाय अल्लाह इंक्लूडिंग ह्यूमन. यहाँ तक मुझे सही लगा. अल्लाह सेज इन कुरान, सीक द बेनेवोलेंस ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह की अपनी रजा को तलाश करना है, ये उसका मकसद है. द रियल अल्टीमेट गोल ऑफ मैन इज बियॉन्ड दिस वर्ल्डली लाइफ. यानी जो एज ए मुस्लिम में बात कर रहे हैं कि जो उनका बिलीव है मुसलमानों का कि जो इंसान का अल्टीमेट गोल है वो क्या है, acquiring the benevolence of Allah, यानी अल्लाह की रजा और खुशनी को हासिल करना जो कि इस दुनियावी जिंदगी से बियॉन्ड उसकी सोच से परे. फर्दर कुरान सेज, यहाँ मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ, टू मैनकाइंड दैट स्टैंड हिमसेल्फ फ्रॉम टेम्पटेशन एंड डिलीजंस ऑफ दिस गिल्टी वर्ल्ड. के अल्लाह ताला इंसान को कहते हैं, इंसानों को मुखातब करके फरमाते हैं कि अपने आप को इस लालची दुनिया की टेम्पटेशन और डिल्यूजन से अपने आप को बचा कर रखो. बट इट डजंट मीन दैट मैन रिस्ट्रिक्ट्स हिज एफर्ट टू अर्न ओनली सर्टेन गुड्स ऑफ लाइफ. लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जो इस्लाम है वो इंसान को कहता है कि अपनी जो कोशिश है सिर्फ सर्टेन गुड्स ऑफ लाइफ को कमाने तक ही महदूद कर लें. ही कैन अर्न मनी एंड वेल्थ एज मच एज पॉसिबल विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट्स. वो चाहे तो जितनी मर्जी दौलत कमा सकता है लेकिन जो उसको लिमिट दी गई है, यानी लिमिट में क्या है कि जी उसने जिन कारोबार से अल्लाह ने मना किया उसमें नहीं जाना, जैसे शराब नहीं बेचनी, क्या कहते हैं, हेरोइन का कारोबार नहीं करना या खंजीर का गोश्त का कारोबार नहीं करना, इसके अलावा नाप तो हमने कमी नहीं करनी, ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं. अदरवाइज डिज़ायर ऑफ मोर एंड मोर पुट यू अवे फ्राम योर रियल डेस्टिनेशन. कह बसूरत दीगर जो ज़्यादा से ज़्यादा की ख्वाहिश है वो तुम्हें आप या आपको या मैं जो है आप लोगों को या नस्ल इंसानी को उसको जो रियल डेस्टिनेशन है उससे दूर कर देगी, यानी कि बादुल मौत, मौत के बाद की है. और उसको मैं यहाँ थोड़ा सा ऐड कर सकूँ, यहाँ लिखना चाहिए तो मैंने आप लोगों को यहाँ एक आइडिया दे दिया. इसमें अगर आप कुछ एडिशन करना चाहें तो ज़रूर करें. तो मेरे हिसाब से तो ये तकरीबन ठीक है. उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. अगर कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कोई अपनी थॉट शेयर करना चाहे या कोई अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहे तो यू मस्ट यूज़ द कमेंट सेक्शन ताकि सबका फ़ायदा हो सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अस्सलाम वालेकुम.